हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम अनिल कुमार सिंह, योर मैथ ट्यूटर. और आज हम लोग बात करेंगे नंबर पैटर्न्स की, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, यानी यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया गया था, इसके अकॉर्डिंग पार्ट वन. अब हम आज बात करेंगे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. स्टडी द पैटर्न इन द मल्टीप्लीकेशन गिवन बिलो, फाइंड द रूल एंड यूज इट टू फाइंड द नेक्स्ट थ्री मल्टीप्लीकेशन. यहाँ आपको रूल्स दिया गया, एक पैटर्न बनाया गया, उसको आपको देखना है, समझना है और उसी के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है. यानी अगर वन में हम टू 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11, फिर 11 में 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121. तो यहाँ हम ये देखना है कि अगर यहाँ वन था और 11 था तो 11 ही हो गया, यहाँ 11 था फिर 11 था तो यहाँ एक टू इसके बीच में आ गया. ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स 1 लिखा गया और यहाँ 2 टाइम्स 1 लिखा गया है, तो 3 टाइम्स 1 में से अगर 1 कम कर देते 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 2 बीच में आ गया. फिर यहाँ देखिए 4 टाइम्स 1 लिखा गया और यहाँ 2 टाइम्स 1 है, यानी कि 4 टाइम 1 में से 1 टाइम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 टाइम्स 2 यहाँ लग गया. सेम उसी प्रोसेस पे अगर हम ये आगे बढ़ाएं तो 1 2 3 4 5 बार हम अगर 1 लिखें और उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ 5 था तो हम 4 बार 2 इसके बीच में लगा देंगे. सेम वैसे ही अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार 1 है तो 6 बार 1 में से हम 1 बार कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, यानी 5 बार हम यहाँ 2 बीच में लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर. अब देखिए इस वाले पैटर्न को भी फॉलो करना है और आगे बढ़ाना है, तो यहाँ देखिए 37 ही आना चाहिए हमारे पास डिवीजन करने के बाद. तो यहाँ देखेंगे अगर हम 111 में 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 37, 222 में 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 37, 333 में 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है 37, फिर 444 में 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 37. यहाँ हम ये चीज़ फॉलो करने को मिल रहा है कि 111, 222, 333, 444 है. अगर हम इसे नेक्स्ट 2 टाइम्स तक तो बढ़ाना है तो हम 555 और 666 लगाएंगे. फिर यहाँ देखेंगे ये 3 का ही मल्टीपल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 है, 3 5 15, तो 3 5 6 18, यानी यहाँ 15 से अगर 555 में डिवाइड करें तो आएगा 37, फिर 18 से अगर 666 में डिवाइड करें तो आ जाएगा 37, इसलिए इसका आंसर. यहाँ देखिए स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन एक्सटेंडेड टू टू मोर मल्टीप्लीकेशन. यहाँ 11 × 11 121, 111 × 111 सॉरी 111 × 111 इक्वल टू 12321. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जितनी बार लिखा गया है ये 1 उतनी बार हम लिखेंगे 1 2 3 और फिर उससे जस्ट कम कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे, तो 3 के बाद 2 1. फिर यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर हम पीछे वाले नंबर लिखना शुरू कर देंगे 3 2 1. फिर यहाँ देखेंगे 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे और 5 के बाद वापस इधर वाला नंबर फिर से लिख देंगे उल्टा करके 4 3 2 1, और 5 पे बेस लगाएंगे, 4 पे 3 पे 2 पे लगाएंगे. सेम वैसे हमें आगे बढ़ाना है तो 3 और 3 टाइम्स 6 लिखा गया है तो हम 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे और 6 के पहले के सारे नंबर्स को रिवर्स कर देंगे, 5 4 3 2 1 हो गया आंसर. फिर यहाँ देखिए 7 टाइम्स है तो यहाँ हम 7 तक नंबर लिखेंगे और 7 के पहले के सारे नंबर को उल्टा करके लिख देंगे, 7 पे लाइन लगा देंगे, ये हो गया आपका आंसर. अब देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को समझना है और इसे आगे बढ़ाना है. तो यहाँ अगर हम देखें कि 1 2 3 4 था तो यहाँ हम रख देंगे 5, यहाँ देखिए 2 3 4 5 था तो यहाँ रख देंगे 6, यहाँ देखिए 3 4 5 6 था तो यहाँ हम रख देंगे 7, यहाँ देखिए 4 5 6 7 था तो यहाँ रख देंगे 8, यहाँ देखिए 5 6 7 8 था तो यहाँ रख देंगे 9. और यहाँ हम हमेशा देख रहे हैं कि 15 में 5 ऐड करेंगे 20 आएगा, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 25 में 5 ऐड करेंगे 30, तो इसके लिए हम 30 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 35 ही आएगा. इसी प्रोसेस पर आप इसको आगे की तरह एक्सटेंड करेंगे. नेक्स्ट यहाँ देखिए ये एक पैटर्न दिया गया है, इसको आपको फील करना है. यानी 1 में अगर हम प्लस करते हैं 1 और मल्टीप्लाई करते हैं 8 तो होता है 9. यहाँ देखिए 2 2 प्लस 12 × 8 इजिकल टू 98. फिर यहाँ देखिए 3 प्लस 1 2 3 हो गया, यहाँ पे यहाँ 1 2 था, यहाँ 1 2 3 हो गया, बाकी सारे नंबर्स वैसे ही हैं, यहाँ 2 3 4 5 6 है, यहाँ 1, यहाँ सब में 8 है और यहाँ भी सब में एक एक नंबर क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है. 98 था, फिर 987 हो गया, फिर 9876 हो गया, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 98765 और यहाँ 1 2 था, 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 5 आ जाएगा. फिर इसको आगे बढ़ा देंगे. यहाँ देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर बनाया गया है डॉट्स को जोड़ करके. यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 डॉट को मिलाया गया तो एक स्क्वायर बन गया और एक बीच में डॉट है, यानी यहाँ 5 डॉट हो गया फर्स्ट में, तो फर्स्ट स्क्वायर में 5 डॉट्स हो गए. सेकंड स्क्वायर में देखेंगे एक डॉट तो यहाँ था ही, तो हमने 1 2 3 डॉट और लगाया और सबको मिला दिया तो यहाँ 2 स्क्वायर बन गया, यानी 2 स्क्वायर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए,
8 हो गए। यहाँ हम हमेशा देख रहे हैं कि थ्री नंबर्स, थ्री डॉट को हम प्लस करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट डॉट मिल जाता है, यानी 14 में थ्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में थ्री ऐड करेंगे बनेगा 20, 20 में थ्री ऐड करेंगे बनेगा 23, यानी हमारे सारे डॉट्स फाइंड हो गए। ये आपको चैप्टर